ABPS न्यूज़। स्वच्छ भारत अभियान भारत सरकार द्वारा आरंभ किया गया राष्ट्रीय स्तर का अभियान है, जिसका उद्देश्य है गलियों, सड़कों तथा अधोसंरचना को साफ सुथरा करना है। यह अभियान महात्मा गांधी के जन्म दिवस 2 अक्टूबर 2014 को आरंभ किया गया था। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने देश को गुलामी से मुक्त कराया, परंतु क्लीन इंडिया का उनका सपना साकार नहीं रहा तथा महात्मा गांधी ने अपने आसपास के लोगों को स्वच्छता बनाए रखने संबंधी शिक्षा प्रदान कर राष्ट्र को एक उत्कृष्ट संदेश दिया। स्वच्छता की बात की जाए तो भारत देश की ग्राम पंचायतें आज भी बहुत पीछे हैं, क्योंकि सरकार द्वारा योजनाएं तो चलाई जाती हैं, लेकिन ये योजनाएं ग्राम पंचायतों तक पहुंचते अपना दम तोड़ देती हैं। क्या हमें कभी दर्द हुआ है कि हमारी बहनों को खुले में शौच करना पड़ता है? गांव की गरीब महिलाएं रात की प्रतीक्षा करती हैं, जब तक अंधेरा नहीं उतरता है तब तक वे शौच को बाहर नहीं जा सकती। उन्हें किस प्रकार की शारीरिक यातना होती होगी? इसी के तहत हम आपको एबीपीएस न्यूज टीम के साथ जनपद बिजनौर के ब्लॉक हल्दौर में स्थित ग्राम चांदन अगली में लेकर चलते हैं। लगभग 3500 की आबादी वाला यह गाँव जिला मुख्यालय से 20 किलोमीटर दूर तो वही ब्लॉक से इस गाँव की दूरी 10 किलोमीटर ही है। वर्तमान में गांव के प्रधान नरेंद्र सिंह हैं। वर्तमान प्रधान द्वारा गांव में विकास कार्य बेहतर ढंग से कराए जा रहे हैं। वर्तमान प्रधान ने सफाई व्यवस्था दुरुस्त कराने के लिए गांव में शौचालयों का निर्माण कराकर पात्रों को वितरित किए हैं। बात अगर शिक्षा के स्तर की जाए तो गांव के जूनियर एवं प्राइमरी पाठशाला में 315 बच्चे शिक्षा ग्रहण करते दिखाई दिए। वहीं बात अगर विकास कार्यों की जाए तो गांव में सीसी टाइल्स रोड का निर्माण, खडंजा निर्माण, नाले निर्माण का कार्य भी कराया गया है। वहीं पेयजल व्यवस्था दुरुस्त कराने के लिए गांव में 27 हैंडपंप लगवाए गए हैं तथा 10 और हैंडपंप लगवाने की सरकार से मांग है। वहीं बात अगर विद्युत व्यवस्था की जाए तो गांव में 70 विद्युत पोल, 3 विद्युत ट्रांसफार्मर, 16 लाइट वर्तमान प्रधान द्वारा लगवाई गई हैं तथा 20 विद्युत पोल एवं 1 ट्रांसफार्मर सरकार से लगवाने की मांग है। एबीपीएस न्यूज टीम से बात करते हुए ग्राम प्रधान ने गांव में बारात घर, स्वास्थ्य केंद्र, पंचायत घर, सरकारी ट्यूबवेल के निर्माण की मांग राज्य व केंद्र सरकार से की है। मैं ग्राम पंचायत चांदनगली डिस्ट्रिक्ट बिजनौर का ग्राम प्रधान हूँ। मेरे गांव में जितना भी धन राज्य सरकार केंद्र सरकार से आया है मैंने सबका सदुपयोग किया है। और मेरे गांव में पहली समस्या है बारात घर की, पंचायत का स्वास्थ्य केंद्र की मेरी मांग है। ग्राम पंचायत चंद्रगिरी का रहने वाला हूँ। हमारे ग्राम पंचायत के अधिकारी हेमेंद्र सिंह हैं और हमारे ग्राम प्रधान श्री नरेंद्र सिंह, इन्होंने जो भी कार्य किया लगन और अपने समृद्धापूर्ण निष्पूर्ण होकर कार्य किया है, इन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया। हम यही चाहते हैं कि हमारे ग्राम पंचायत में ऐसे ही विकास होता रहे आगे को, और यही इसी के आशा से हम ग्राम प्रधान को इनके चुनना चाहते हैं। ऐसे ही ग्राम प्रधान हमें मिले, ऐसे ही हमें ग्राम पंचायत सचिव मिले, क्योंकि जो कार्य हमारा ग्राम पंचायत 2 सालों में हुआ वो पहले कभी नहीं हुआ। हम यही चाहते हैं कि हमारे ग्राम पंचायत में अधिक से अधिक कार्य हो। और इसी के साथ हमारा नमस्कार।